नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से कुलदीप शर्मा आपके बीच हाजिर है। गंगानगर का वो मामला हाई प्रोफाइल तो नहीं कह सकते क्योंकि राजनीतिक लोग चुप है। तमाम गंगानगर की वो जनता चुप है जो कहीं ना कहीं कहती थी कि अन्याय को सहन नहीं किया जाएगा। आज एक लड़की को हॉस्टल में दुष्कर्म करने का शिकार बनाने का प्रयास किया जाता है, दुष्कर्म करने का प्रयास किया जाता है, एक सुनसान घर में ले जाकर प्रयास किया जाता है, लेकिन तमाम राजनीतिक लोग चुप हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है या फिर कोई राजनीतिक पहुंच है केएल यादव यानी कृष्ण लाल यादव की? आज केशवलाल यादव की जगह अगर कोई और अन्य व्यक्ति होता तो मुझे लगता अब से पहले तमाम पार्टियां सड़कों पर होती, लोग सड़कों पर होते और गुहार लगा रहे होते कि लड़की को न्याय दिया जाए। लेकिन अब जिस प्रकार से माहौल हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट में खरोंच के निशान आए हैं, पुलिस ने हिरासत में लिया, मामला सही पाए जाने पर गिरफ्तार किया और आज रिपोर्ट आई है कि 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है कृष्ण लाल यादव। ये कौन है कृष्ण लाल यादव अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी चौथी कड़ी है इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ के लिए आम आदमी को लड़ना चाहिए। सिर्फ SFI एक सामने आई है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर तमाम वो जो कोचिंग संस्थान हैं जो लड़कियों को पढ़ाया जाता है, वो तमाम हॉस्टल हैं जहाँ लड़कियाँ रहती हैं, उनका जाँच करने का एक ज्ञापन भी दिया गया। और जिस लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था, हरियाणा की चौटाला की लड़की, उसके साथ जो दुष्कर्म का प्रयास किया गया था उसी को न्याय दिलाने के लिए एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। उसकी तस्वीरें हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी। आज बात करेंगे सिर्फ दो ही खबरों पर। आज किसी भी अखबार में कोई खबर नजर नहीं आई। सब अखबार जो अखबार इन्वेस्टिगेट करने में सबसे माहिर होते थे वो आज मीडिया शांत है। पब्लिक साफ तौर पर कहा जा सकता है जो जनता कहीं ना कहीं लेडीज और लड़की के लिए जहां न्याय के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, जो हर रोज फेसबुक पे बहुत बड़ी बातें लिखती है कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, लड़कियों को सम्मान मिलना चाहिए, आज इतनी बड़ी वारदात श्रीगंगानगर में हुई है, लोग सड़कों पर नजर नहीं आ रहे, राजनीतिक लोगों का किसी का भी एक बयान तक नजर नहीं आया, ना ही किसी लोग ने इस पर टीका टिप्पणी की है और ना ही किसी ने निंदा की है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहां पर श्रीगंगानगर में जब हमने अपने सूत्रों से कुछ पूछने का प्रयास किया गया तो सामने आया दबी जवान में लोग ये कह रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है, ये एक षड्यंत्र है, 4 साल से लड़की वहां रह रही थी, उसने अब आरोप क्यों लगाया। यानी काफी कुछ सवाल आ रहे हैं, अब सवाल जो है घूम कर कुछ और तरफ आ रहे हैं। लेकिन केएल यादव यानी कृष्ण लाल यादव पर कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से राजनीतिक लोग तो बच ही रहे हैं, उसके साथ साथ गंगानगर के लोग भी बच रहे हैं। और वही बात हमारी लगातार मुहिम के बाद लगातार जो लड़कियों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें साफ आ रहे हैं कि हमारी सहपाठी को न्याय मिलना चाहिए, हम आपके साथ हैं, तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक गंगानगर में पुलिस कोचिंग संचालकों को बुलाती है और उन्हें गाइडलाइन का पाठ पढ़ाया जाता है, इसे भी केएल यादव के समर्थन में होने की बात कहकर जोड़ा जाता है, लेकिन एक SBT में खबर छपती है उसमें इस बात का खंडन किया जाता है पुलिस के द्वारा भी और तमाम उन लोगों के द्वारा भी जिन्हें बुलाया जाता है। उनका कहना था कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 1 सितंबर से जो कोचिंग संस्थान खुले हैं उसमें किस प्रकार से गाइडलाइन की पालना करनी है और किस प्रकार से जो है आप कोरोना काल में बच्चों के पढ़ाइयों को सुचारू रखना, किस प्रकार से 50% से ज़्यादा बच्चे नहीं बुलाने हैं, उस पर ये एक गाइडलाइन का पाठ पढ़ाया गया था पुलिस के द्वारा। लेकिन इसे भी लोगों ने और केएल यादव के समर्थन में बैठक होने का दावा किया था, लेकिन वो दावा SPT ने जो खबर के साथ ही खत्म कर दिया। लेकिन अब फिलहाल कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। केएल यादव, इतना बड़ा मामला, कृष्ण लाल यादव एक शिक्षा को, एक गुरु और शिष्य की जो रिश्ते को तार तार किया जाता है, लेकिन पब्लिक चुप है, लोग चुप है, राजनीतिक लोग चुप है, राजनीतिक पार्टियां चुप है, सामाजिक धार्मिक और तमाम वो संगठन चुप है, महिला संगठन चुप है जो कहीं ना कहीं हर रोज गली मोहल्ले में हाहाकार मचाते हैं, जो कहते हैं भी हमें न्याय दो, वो सारे न्याय अभी फिलहाल चुप है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार हम आपको केएल यादव यानी कृष्णलाल यादव की हर अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।